हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ट्वेल्थ का वन ऑफ द फाइनेस्ट चैप्टर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बच्चे लास्ट के टाइम पे पढ़ना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, इसके हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है, फ्लो हमारा चलेगा। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से इसका शुरुआत हुआ था, एंड देन आफ्टर हम लोग आगे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो पहली बात जो मैं करना चाहूँगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें सबसे पहली बात जब हमें पता चला था, जब ऋषि मुनियों का जमाना था, उस समय कहा जाता था कि जितने भी मैटर है, जितने भी पार्टिकल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो पंच तत्वों से बनी हुई है। ओके, एंड देन आफ्टर यही चीज़ें बहुत सालों तक, कई सौ सालों तक चली, एंड आफ्टर दैट एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया, ठीक है। रिवॉल्यूशन कब आया? ये रिवॉल्यूशन आया 1803 में, ठीक है, जब जॉन डाल्टन नामक एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट, उस जमाने के बहुत ग्रेट साइंटिस्ट, जो आज के ज़माने में इनके थ्योरी पढ़ोगे आप तो आपको लगेगा कि यार ये क्या बेवकूफ़िया थी, ठीक है। बट आप सोचो, आज से 200-300 साल पहले की बात है, उस समय इन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जिससे पूरा का पूरा अर्थ, मतलब जितने भी पूरा वर्ल्ड, ठीक है, इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो गया था कि आज तक जो चीज़ें चलते आ रही थी, पंच तत्व की कहानियां चलती थी, ठीक है, सीधा सीधा चीज़ें चेंज हो गई। इन्होंने कुछ ऐसी बातें बता दी जो किसी को बिलीव ही नहीं थी, ठीक है। तो देखते हैं इन्होंने क्या बताया था, ठीक है। तो 1803 में ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ये ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, केमिस्ट भी थे। ओके, इन्होंने बताया कि जितना भी मैटर है वो सब एक टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। किससे बना हुआ है? टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। और इन्होंने कुछ बातें बताई उसके बारे में। ओके, तो देखो क्या क्या बातें बताई, ये हम लोग अभी देखते हैं। उनके कुछ पॉइंट्स को मैं आपके सामने रखता हूँ, उन्होंने क्या क्या बातें बताई थी, ठीक है, देन आफ्टर हम लोग आगे बात करते हैं। ओके, तो बात करते हैं उन्होंने क्या क्या, डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में क्या बात कही थी। तो उसमें पहली बात उन्होंने जो कही थी, उन्होंने कहा था कि मैटर जो है वो बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। कोई भी चीज़, कोई भी मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं, और यहाँ से एटम नाम की उत्पत्ति हुई, है ना। मतलब यही वो साइंटिस्ट थे डाल्टन, जिन्होंने सबसे पहले एटम नाम रखा कि एटम क्या है। ओके, अब देखिए बात, उन्होंने और भी कुछ कुछ बातें बताई जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि एटम से भी तो छोटा है ही, एटम से छोटा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, क्वार्क्स है, ये है, वो है, बट हम बात कर रहे हैं आज से 200-300 साल पहले की। जस्ट थिंक अबाउट इट कि उस समय एक आदमी आता है और वो उस समय सोचता है कि मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, दैट इज एटम, है ना। तो सोचने वाली बात है। अब देखते हैं सेकेंड बात उन्होंने क्या कहा, कि जितने भी सेम मैटर के, है ना, सेम एलिमेंट के जो एटम होंगे, उनका मास, साइज, शेप, वो सारा का सारा चीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सब कुछ एक समान होगी, सब कुछ एक जैसा होगा। और उन्होंने तीसरी बात क्या कही, तीसरी बात कही कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट के लिए, देखो एक एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, तो सेम मास रहेगा एटम का, सेम साइज होगा, शेप होगा, सब कुछ सेम सेम होगा। बट अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनके हर एक प्रॉपर्टीज जो है वो डिफर कर जाएगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन ऑल एस्पेक्ट्स, जितने भी चीजें हैं, जो जो हम लोग यहाँ पे चीजें देख रहे हैं, वो सब कुछ क्या कर जाएगा, डिफर कर जाएगा, ठीक है। हालांकि ये चीज सही नहीं था उस टाइम पे सही था, इस टाइम पे बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। आप जानते हैं हम लोग आइसो बार्स पढ़ते हैं, आइसो टोप्स पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, एक ही सब्सटेंस है, उसके अलग अलग हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं आज के डेट में, ठीक है। बट उस टाइम पे, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है, उस समय एकदम न्यूली मेड ये थ्योरी था, और लोगों ने इसको बहुत सराहा, बहुत अच्छे से माना। करीब इस थ्योरी के ऊपर हमारा पूरा वर्ल्ड करीब करीब 100 साल चला है, 100 ईयर्स, 100 साल चला है, और 100 साल हमने इस थ्योरी को माना है, जब तक कि नया थ्योरी नहीं आया था, ठीक है, थॉमसन का, बात करेंगे उसके बारे में हम लोग, ठीक है। बट फिलहाल क्या है, इन्होंने ये बातें बताई, एंड नेक्स्ट बात क्या बताया उन्होंने,
कि एटम क्या है, एटम मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। ओके, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं ठीक है, उसमें एटम्स क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ये बात किसने बताई थी, डाल्टन ने बताई थी कि एटम की वजह से ही केमिकल रिएक्शन का एक्सचेंज होता है, व्हाटएवर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग कुछ और देखेंगे यहाँ पे ठीक है। चार प्रॉपर्टीज हो गई, दो चार बातें उन्होंने और बताई थी वो भी देखते हैं। और क्या बताया उन्होंने, और बातें हो गई हमारी ये कि देखो उन्होंने पांचवी बात ये बता दी, कुछ पॉइंट्स वाइज मैं इसको लिख रहा हूं जो भी उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ठीक है। बहुत सारे एटम्स को मिलाएंगे तो उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड एटम। छोटे छोटे बहुत सारे एटम्स को मिला दिए एक साथ, दैट इज कंपाउंड एटम, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, और उसका नाम हमने दिया मॉलिक्यूल। ओके, आज इसको हम लोग बहुत तरीके से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम इसके बारे में जानते हैं, बट उस टाइम पे ये इसका जस्ट इन्वेंशन हुआ था। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि एटम से छोटा कुछ भी नहीं है, है ना, और एटम को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम एटम को तोड़ नहीं सकते। लेकिन आज हम जानते हैं कि हम एटम को तोड़ सकते हैं, लाइक यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, वो टूटता है, एटम क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। बट उस टाइम पे इस तरह की सोच नहीं थी, उस टाइम पे ऐसा सोच था कि एटम को हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते, चलो क्रिएट तो नहीं कर सकते बट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, है ना। बट आज के रेट में चीजें चेंज हो चुकी है। तो ये कुछ बातें इन्होंने बताई थी और वो उस टाइम का बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था। और कुछ बातों में डाल्टन जो है वो पूरी तरह से फेल हो गए ठीक है। अब वो किन किन बातों में फेल हो गए उसके बारे में बात करते हैं हम लोग ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बारे में, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। 6 पॉइंट बताया है, अगर आप बोर्ड के हिसाब से देखोगे तो आप इस तरह से अगर लिखोगे पॉइंट वाइज तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो किस जगह पे जाके फेल हो गई, उसके लिमिटेशंस क्या थे ठीक है। बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको ये सारे पॉइंट्स वाइज लिखवा दे रहा हूं ताकि आप बोर्ड में जब आए आप लिखो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आप ये बोल सकते हो कि वो क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे कि एटम कंबाइन होके आखिर मॉलिक्यूल कैसे बन जाते हैं ठीक है, आखिर एटम्स कंबाइन कैसे होते हैं। ओके, इसी को मैं यहां पे लिखा हुआ हूं कि वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि किस फोर्स से एटम जुड़ते हैं और एटम जुड़ के क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो वो उस फोर्स के बारे में बता नहीं पाए थे, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए ठीक है। देन आफ्टर देखो कंटिन्यूअसली इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, मैंने पहले ही बताया कि ये 100 सालों तक चला, तो इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जा रहे थे और धीरे धीरे इनके फेलोअर जो है वो सामने आते जा रहे थे ठीक है। फाइनली आते 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 एक ऐसा टाइम आया ठीक है जब नई थ्योरी आई सामने ठीक है। बट फिर भी इस थ्योरी में से हमको बहुत कुछ मिल गया ठीक है, बहुत सारी बातें हमें पता चल गई। एक्चुअली शुरुआत इन्होंने की थी तो इन्होंने एक्चुअली एटम के बारे में सोचना हमें सिखा दिया। ओके, अब देखो क्या हो गया, इन्होंने और क्या बोला ये कि जितने भी एटम हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब के जो एटम होते हैं उन सबका साइज क्या होता है, अलग होता है, मास अलग होता है। आगे जाके हमने केमिस्ट्री में वैलेंसी के बारे में पढ़ा होगा, ये सारी बातें अलग होती हैं। तो ये सब कैसे होता है ठीक है, इसके बारे में वो बता नहीं पाए कि शेप कैसे अलग होता है, साइज कैसे अलग होती है, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ओके, उसके बाद वो एक और बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि कोई भी मैटर है ठीक है वो मैटर लिक्विड स्टेट में या फिर गैसीय स्टेट में कैसे आता है ठीक है। किसी भी मैटर के लिक्विड स्टेट और गैसीय स्टेट के फॉर्म को वो शो नहीं कर पाए थे, फॉर्म को बता नहीं पाए थे कि उसमें जो एटम किस तरह से कंबाइन होते हैं, क्या होता है, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये कुछ लिमिटेशंस थे इनके, डाल्टन्स के ठीक है। और इसको इसके ऊपर जब ओवरकम करने के लिए ठीक है, 100 सालों के बाद मैंने बताया करीब 1903 में ठीक है एक साइंटिस्ट हैं जे थॉमसन है ना, और उन्होंने कुछ बातें बताई ठीक है, बहुत बढ़िया बातें बताई उन्होंने, वो हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय ठीक है, मिलते हैं। तो चलिए बच्चों अभी हम पढ़ते हैं जे थॉमसन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। और ये थ्योरी जो थी ये डाल्टन से बिल्कुल अलग थी, इनके अकॉर्डिंग चीज़ें कुछ अलग थी। इस थ्योरी को हम लोग ये भी बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल,
ओके, इनके अकॉर्डिंग ऐसा था कि जैसे वाटरमेलन होता है, ठीक है, जैसे वाटरमेलन होता है उसी तरह का एटम होता है, ठीक है, वाटरमेलन बोलो या फिर प्लम पुडिंग मॉडल, खीर कैसा होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखते हैं इनके अकॉर्डिंग ये क्या थ्योरी थी। इनका ऐसा कहना था कि वाटरमेलन में, मान लो ये वाटरमेलन है, और वाटरमेलन में जैसे बीज होते हैं ना, ठीक है, कहीं कहीं पे बीज होते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है, उसी तरह से ये पूरा का पूरा वाटरमेलन जो है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, एंड उसके अंदर जो बीजेस हैं, वो जो बीज है इसके अंदर, ठीक है, वो क्या है, उसके जो सीड्स हैं दैट सीड्स नेगेटिव चार्जेस, ओके। और चूंकि ये इसको थ्योरी को दिया था इन्होंने 1903 में, 1903-1904 आप बोल सकते हो, ठीक है, और इसके पहले ये 1897 में इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी इन्वेंट कर चुके थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में ऑलरेडी थॉमसन बता चुके थे, इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है थॉमसन को, ओके। अब देखिए क्या हुआ था, जब इसके बारे में इन्होंने बता दिया, कैथोड एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, कैथोड एक्सपेरिमेंट, ओके, तो इन्होंने वहां से एक बात बताई कि जितना भी पूरा का पूरा एटम में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कुछ इस तरह से सीड्स के जैसे एम्बेडेड होते हैं वाटरमेलन में, और पूरा का पूरा बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है, ठीक है, मतलब पूरा तरबूज कैसा हो गया कि पूरा तरबूज जो है, पूरा जो वाटरमेलन है वो पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर जो बीज है वो निगेटिव चार्जेस है, ठीक है, ये बात इन्होंने बताई, ओके। और इस बात के ऊपर भी हमें बस ये पता चल गया कि एटम के अंदर, थॉमसन ने हमें बहुत बड़ी बात बताई कि एटम के अंदर भी कुछ सब पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो डाल्टन हमें नहीं बता पाए थे, ओके, और सब पार्टिकल कौन से, इलेक्ट्रॉन है, ओके, और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसमें और क्या है, तो उसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं, और इसकी वजह से, ठीक है, एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहां पे क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, ये थ्योरी था इनका, किसका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, सेम सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने कुछ ऐसी बातें बता दी और जिससे क्या हुआ, ठीक है, जिससे बहुत सारी बातें हमें पता चली, लेकिन कुछ चीजों में ये भी फेल हो गए, ठीक है। और इसके बाद एक नया साइंटिस्ट आए, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्हीं के स्टूडेंट थे वो थॉमसन के, दैट इज रदरफोर्ड, है ना, और रदरफोर्ड ने फिर अपनी थ्योरी रखी, ठीक है, और वो थ्योरी काफी हद तक सक्सेसफुल रही, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट है नील बोर, और उन्होंने फिर पूरा पासा पलट दिया, और उनका जो थ्योरी था वो बेस्ट थ्योरी था अभी तक का, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद अभी देखेंगे कि रदरफोर्ड ने क्या कहा था, और रदरफोर्ड का भी एक्सपेरिमेंट जो था वो किसने किया था, कैसे किया था, बात करते हैं हम इसके बारे में। तो चलिए हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं।